वर्तमान कोरोना महामारी के प्रादुर्भाव से प्राकृतिक उत्पादों एवं उनसे प्राप्त दवाओं के प्रति लोगों के रुझान में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इसी क्रम में प्राकृतिक दवाइयों के रासायनिक एवं कार्यिक दृष्टिकोण को समझने के उद्देश्य से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के वनस्पति शास्त्र विभाग द्वारा एक दिवसीय वेबिनार का आयोजन दिनांक 29/5/2021 को किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह के सानिध्य में हुआ। इस अवसर पर विज्ञान महाविद्यालय के अधिष्ठाता प्रोफेसर जीएस राठौड़ ने वेबिनार के उद्देश्यों और उपयोगिता को बताया। वहीं कार्यक्रम संयोजक और विभागाध्यक्ष डॉ. जीएस देवड़ा ने आयुर्वेदिक उपचार एवं पादपों की औषधीय महत्ता पर प्रकाश डाला। वेबिनार की आयोजन सचिव डॉ. जया अरोड़ा ने पादपों से प्राप्त दवा उत्पादों की उपयोगिता साझा करने के साथ साथ इनकी जानकारी आम जन तक पहुँचने के प्रभावी तरीकों के बारे में भी बताया। इस वेबिनार के मुख्य वक्ता और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट मैरीलैंड अमेरिका के प्रोफेसर डेविड न्यूमैन ने प्राकृतिक उत्पादों से विभिन्न प्रकार की दवाइयों के संश्लेषण, पृथक्करण एवं उपयोगिता पर नवीनतम शोधों एवं निष्कर्षों को प्रस्तुत किया। साथ ही उन्होंने एंटी कैंसर, एंटीबायोटिक और एंटीवायरल दवाओं के निर्माण हेतु पौधे, सूक्ष्म जीवों और अज्ञात समुद्री वनस्पतियों से नए रसायनों की खोज एवं उपयोग पर विशेष जोर दिया। वेबिनार के अंत में डॉक्टर हरीश द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। वेबिनार में प्रोफेसर केजी रामावत, प्रोफेसर अतुल त्यागी, प्रोफेसर राजेश्वरी नरेंद्रन, प्रोफेसर सोमना दत्ता, डॉक्टर अरुण जुगरान सहित देश भर से लगभग 100 शिक्षक, शोधार्थियों एवं छात्रों ने भाग लिया।